साथियों, अवसरों की समानता के रास्ते में भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी बाधा है। घुसखोरी, भाई भतीजावाद, अपना पराया, हमारी व्यवस्था में इनके लिए कोई स्थान होना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार नए भारत का संस्कार हो ही नहीं सकता। मेरा और मेरी सरकार की सोच और एक्शन दोनों इस बात के साक्षी हैं कि भ्रष्ट आचरण करने वाला कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कोई भी नहीं बचेगा। अपनी पहुंच से प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वालों को दलालों और बिचौलियों के माध्यम से हर फैसले, हर फाइल की बोली लगाने वालों को, गरीब से गरीब व्यक्ति के हक को लूटने वालों की सफाई करने में मैं पूरी क्षमता और ईमानदारी से जुटा हूं। साथियों, आज सरकार जो कुछ भी कर पा रही है उसके पीछे आप सभी युवा साथियों का सक्रिय योगदान है। स्वच्छ भारत से देश में स्वच्छता का आंदोलन आपने आगे बढ़ाया। नोटबंदी जैसे कड़े फैसले से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को आपने समर्थन दिया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। यानी हर योजना को आपने सरकारी बनने से बचाया है।